तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ हाजी यूसुफ, क्या नाम है, मोहम्मद अयूब रंगरेज इनका नाम है। आप कहाँ से? मैं राजस्थान अजमेर जिले, राजस्थान अजमेर शरीफ से। तो मेरा नाम कुरेशी समीर है, समीर कुरेशी, और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। तो मैं उस दिन आया था यहाँ, लुकमान भाई का इंटरव्यू लिया था, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था शाहिद खान के नाम से, शायद आपका कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड वरेंड कोई हो। जी जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बकरे कवर करें जी, और एक वो 1165 नंबर से भी आया था जी जी, वहाँ तो मैंने कर लिया, वहाँ बंदा है नहीं कोई फिलहाल, लेकिन आप यहाँ पे हो मौजूद, तो क्यों ना आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हाजी साहब, आपके पास कौन सी नस्ल के बकरे हैं? सिरोही नस्ल कहलाती है, अजमेर जिले का जो बकरा है ये सिरोही नस्ल कहलाती है, राजस्थानी बकरा सिरोही में, इसकी एक अलग ही पहचान होती है। हाँ। तो ये बकरा जो है सिरोही नस्ल का, सर्दी गर्मी बारिश सबसे सारे मौसम से जो इसकी बॉडी जो है सब सबसे मतलब ये कवर कर सकता है अपने आप में। अच्छा, जैसे भी बारिश का मौसम है तो दूसरे बकरे जो बीमार वगैरह होते हैं, हाँ, तो वो इसके अंदर मतलब आपके कहने के मुताबिक उसके अंदर उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बारिश का, राजस्थान में सर्दी भी भयंकर गिरती है, भयंकर, हाँ, तो गर्मी भी भयंकर गिरती है। हाँ। और बारिश भी मतलब जो है ठीक ठाक ही होती है, अभी तो बाढ़ आई हुई थी दो चार दिन पहले। तो ये जो जानवर है राजस्थान वाला, ये मतलब बालू मिट्टी में भी रहता है तो पत्थर में भी चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्यासा भी अगर रह जाता है तो पानी में भी रह जाता है। ओके। तो इसकी जो बॉडी है ना वो मौसम के अनुरूप जिस प्रकार एडजस्ट हो जाती है, हरियाणा वाले मजबूत होते हैं, उसी तरीके से मतलब इनके जानवर भी मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे ही ले लो जी, मैं अभी हमारे यहाँ पे बकरे अभी नहीं आएंगे जी, मुश्किल से बकरीद के तीन चार दिन पहले लेंगे, क्योंकि हमारे घर यहाँ पे होते छोटे, बांधने की जगह, फिर खिलाने पिलाने का उनका सारा मसला रहता है जी। तो इसी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि अभी बारिश है, पहले नहीं तो एक टाइम था उस टाइम पे हम लोग बकरे लिया करते थे भैया 15 दिन 10 दिन पहले, और अच्छे से हम लोग पाल भी लेते थे, बट अब की बार अभी ऐसा लगता है कि बारिश में कहाँ बकरे परेशान होंगे, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट करते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अगर मैं चाहूँ कोई बकरा लेना, तो आपके मुताबिक अगर आप बोल रहे हो तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी घर पे ले जाने के बाद? तकलीफ नहीं आएगी, मतलब बकरा जैसा यहाँ गया है ईद तक कुर्बानी तक ऐसे ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा, क्योंकि गाड़ी में भी हम जैसे वहाँ से लाद के लेके आए हैं तो पूरे बारिश वगैरह का बचाव करके लेके आए हैं। गाड़ी की तो कहानी लुकमान भाई ने सुनाई है, अरे बड़ी दर्दनाक कहानी है, कहानी है। घर पे कूलर और एसी में रहते हैं, और यहाँ तो देख लो गोलियों पे, यहाँ पे गोलियों पे सो रहे हैं, और बकरों की भी वहाँ पे क्या ठाट रहती है फार्म पे। हाँ, मतलब इनके मतलब ये बारीक मिट्टी डाल के रखते हैं। हाँ, और वो भी हर 3 दिन में हटाना और वापस नवी डालना, हर 3 दिन में, बताओ। और यहाँ पे मतलब क्या करे यार, रोजी रोटी करना पड़ता है। तो सही है फिर भी, लेकिन देखा है तो इस साल पिछले साल से मुका मतलब देवनार का इंतजाम अच्छे है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो यहाँ का जो है मनपा का जो इंतजाम है ना, हाँ, वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत सही है। डॉक्टर आ रहे हैं आपके यहाँ पे चेकिंग वेकिंग पे? डॉक्टर की वजह से हमारे बकरे में जरूरत नहीं पड़ती, नहीं लेकिन वो लोग विजिट कर रहे हैं, व्यापारियों के आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, और वो लोग बाकायदा देख रहे हैं, सामने यहाँ पे स्टॉल भी लगा है डॉक्टरों का, हाँ वो लोग आ रहे हैं, मैंने देखा दो चार, मैं तो 5 दिन से कवर कर रहा हूँ, 31 तारीख से डेली कवर कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो बोला चलो अभी अभी आपके यहाँ पे चलते हैं। तो आजी साहब, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपके बकरों का इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब आपने बताया कि आपकी नस्ल कौन सी और नस्ल किस तरीके से मजबूत है, मतलब चलती है, बारिश हो, पानी हो, ठंडी हो, जो भी हो, उसमें आपके बकरे मजबूत है, मतलब सिरोही नस्ल ही ऐसी। तो अभी आप मुझे बताइए आपके पास क्या रेट से, बजट से मतलब बकरे स्टार्ट है, वो क्या मतलब क्या हिसाब किताब में आप बकरे बेचने का मतलब आपने वो किया? हाँ, ये समझ लो कि 15-20 हज़ार से लेके 60-65 हज़ार 70 हज़ार तक की, 70 हज़ार तक की रेंज में है, रेंज के मेरे पास बकरे हैं। मैं मेरे को ना दो चार मतलब मेरे खास दोस्त ने भी आज सुबह मेरे को पर्सनली फ़ोन करके वीडियो देख के फ़ोन किया है कि भैया मेरे को ना 15-20 की रेंज में बताओ, और मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि 15-20 या 10-20, 10 तो मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 10 ऐसा है ना, जैसे एक बकरे पे राजस्थान से यहाँ तक का 5,000 रुपए खर्चा है। सवाल ही अभी मेरे को सुना है वापस लुकमान भाई ने एक कहानी और सुना है, तो मैं बोला कि अभी इतनी कहानी में डालते रहूंगा तो लोग है ना पगला जाएंगे
मतलब वो सोचेंगे कि यार व्यापारी बड़ी तकलीफ से दिन काट रहा है। तो गाड़ी भाड़े से जैसे गवाल लोग आए हैं तो एक एक गवाल की 10-10 हजार 10-10-8-8 हजार पगार है। तो पगार अब जैसे एक गाड़ी पे अमूमन 8-10 गवाल होते हैं तो 70-80 हजार तो इन्हीं के चले गए। प्लस यहाँ जो दलाल होते हैं जो बकरे बेच के पेमेंट हम उनको, अरे मेरे को अभी उन्होंने लमसम बजट बताया, उनके 106 बकरे है। हाँ लमसम उन्होंने एक बोला, मोटा मोटी हिसाब बताया कि 2.5 लाख रुपए गाड़ी यहाँ पे बकरे उतरने तक का खर्चा है, 2.5 लाख रुपए खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और दूसरी बात तो अभी उन्होंने एक कहानी और एक चीज और ऐसी बता दी कि मन दहल गया एकदम के कार्ड चोरी हो गई उनकी। अरे जिन पे वो आराम करते हैं, चोरी हो गया एक बैग उनका, चोरी हो गया उसमें उसके गवाल का मोबाइल था। अरे रे रे रे, अल्लाह मतलब मोबाइल और कपड़े एक बैग उठा के ले गए। बोल रहे हैं जैसे ये बाल्टी रखी है ना यहाँ पे, तो इनको भी पूरी नजर रखनी पड़ती है कब उधर से उठा के ले जावे, कोई भरोसा नहीं, सवाल ही नहीं। और ये तो सीजन है चुराने वालों का, सीजन ही है देवनार, मतलब ही कि उनका 10 दिन का सीजन तो रहता है। उनके चुराने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि उठा के अपने सामने लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाओगे आप, परदेसी हो ना। केवल उनसे भाई बीरे से लेके आएंगे अपने जानवर को या अपने सामान को, अपन उस पर हाथ नहीं उठा सकते, समझ रहे हो। ये मतलब दादागिरी चल रही है, ये अपनी दादागिरी है। अरे क्या बताएं, सच्ची में ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बताओ कितना खतरनाक है। अभी मुझे बताया उन्होंने कि मैं 600 रुपए भाड़े पे खटिया लाया हूँ सोने के लिए। हाँ, वो लेके और आदमी है कम से कम 8-10, ये इधर पे भी एक बैठा यार, उसने एडवांस जमा कराए, आदमी है 8। हाँ और एक है खाट, कहाँ सोएंगे ये लोग, दाना डालने के इसमें सो रहे हैं। अरे रे रे रे, ये देखो ऐसी ऐसी खटिया हो गए, ऐसी जो जिसमें बकरे दाना खाते हैं ना, इसमें ये इंसान सो रहा है बेचारे, और इनकी खटिया चोरी हो गई। ये हो रहा है यहाँ पे बंदूक के साथ में, व्यापारियों के साथ में। ये हमारे मुजम्मिल साहब, ये देखो कैसे बैठे हैं इनकी गोद में, ये हमारे साहबजादे हैं, हमारा लड़का ही है। ये हमारा खाना बनाने का कंडीशन भी दिखाओ जरा, दिखाया परसों, अरे वहाँ पे पीछे मैदान में दिखाया ना, चिकन विकन बन रही थी, मोटी मोटी रोटियां, ये देखो भाई साहब, ये इनको इनका चिकन है, ये किचन, सॉरी चिकन भरो किचन है ये। हाँ यहाँ पे इनका खाना बनता है, केवल खाना बनाने के जो हमें खिलाएगा ना खाना बना के, उस आदमी की पगार 10,000 रुपए 10 दिन की, 1,000 रुपए पर डे वो आ रहा है खाना बनाने, दोनों टाइम खाना ताजा बन रहा है। हाँ ताजा बना के देता हूँ। तो आप तीनों जो साथ में आए हो, ये हो प्रत्येक गाड़ी में एक एक आदमी 10,000 रुपए का खाना बनाने वाला। अच्छा उनके लिए भी अलग बना रहा है कोई? वो उसका उसकी किचन उधर है। अच्छा वहाँ पे अलग बन रहा है, उसके बाजू में अलग, उस बाजू वाले की किचन अलग है। तो भाई साहब ऐसा करते, कोई एक लेते हो सबके लिए बनाते, आदमी को खाना कैसे बनाएगा, नहीं बना पाएगा 10 आदमी अमूमन 30 आदमी का एक आदमी खाना कैसे बनाएगा। ये हमारे इधर आओ, ये हमारे सौभाग भाई है। हाँ ये कुक है हमारे सौभाग भाई। अरे माशाल्लाह आप बना रहे हो क्या? हाँ। ये वहीं से लाए होंगे इनको पकड़ के? अच्छा मतलब ये खाना बनाने वाले खास आदमी है, और मतलब रोटी इतनी प्यारी बनाते हैं। अच्छा चिकन मटन तो मेरे को ही बनाना पड़ता है, क्यों ऐसा? मेरे टेस्ट के हिसाब से। हाँ टेस्ट के हिसाब से, बाकी दाल वगैरह ये जो है रोटी के माहिर, एकदम मोटी रोटी बना के खिलाते हैं, राजस्थान की केवल रोटी होती है। चलो अच्छा यार, ये आप मतलब मिल भी गई है भाई साहब। तो मुझे क्या नाम है आपका, हाजी साहब मुझे आपका सबसे सस्ता वाला बकरा बताओ और सबसे हैवी वाला बकरा बताओ, और एक बकरा ये बताओ जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो। सबसे सस्ता वाला जो बकरा है, सबसे सस्ता ये है आपका बकरा, ये है बकरा, ये कितने का बताया आपने? 15,000। अरे वाह माशाल्लाह अच्छा है, कितने दांत पे होगा ये? चार दांत पे 15,000। और सबसे हैवी वाला बताओ, MSQ ब्लॉग्स आज शाम में, MSQ ब्लॉग्स, ये मेरे बकरों को पालने वाला। अरे वाह माशाल्लाह, स्वराज भाई समीर कुरैशी, सारे बकरों की खिदमत इन्हीं के द्वारा दी जाती है साल भर तक। अच्छा सारे बकरे इन्हीं की देख रेख, मतलब ये इनके ही हाथ से पले हुए बकरे? हाँ इन्हीं के हाथ से पले हुए हैं। हाँ और इनको खिलाना पिलाना, आदमियों को कवर करके रखना। अच्छा इनको कैसे क्या, इनको जैसा कुछ बीमारी उमारी होती है वो भी यही देखते हैं या फिर इसके लिए कोई डॉक्टर आता है? डॉक्टर नहीं आता, ये तो खुद डॉक्टरों के बकरे पालते पालते 20 साल से डॉक्टरों के बकरे ही पाल। समीर कुरैशी MSQ ये है सबसे, ये आपका सबसे हैवीएस्ट है? हाँ MSQ। सॉरी
ये कितने का भाई, ये कितने का बताया हाजी साहब? 65। ये तुम्हारा सबसे महंगा बकरा और सबसे हैवी बकरा है। और एक 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 है ना, एक बकरा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, आप क्या पसंदीदा चाहिए? हाँ, आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट हो। एम एस क्यू बोलो ना, अरे इंटरव्यू चल रहा है। हमारे चाय मास्टर है सराज भाई जी। अरे तुम तो पूरे बड़े बड़े खानसामों को लेके चले हो घर से यार। हमारे राम सर के बड़े शाम में डाल दो। यहाँ हमारे गांव में सिराज भाई की होटल मशहूर है चाय की। सिराज भाई? हाँ। अच्छा, ये उनके साथ जाते हैं। उनका लड़का हूँ। अच्छा, उनका लड़का है और चाय बना के देता है हमें। ये भी हमारे तो यहाँ बनाते हैं चाय। हाँ, कब बनाओगे चाय फिर यार? तो चाय पिलवाओ फिर। हाँ, अगर ऐसे ही बात है तो चाय तो बनती है यार फिर। और इनकी ईद तो यही बन गई। तीनों बाप बेटे तीन गाड़ी में 10,000 में आए। ओह, इसके पिताजी भी आए खाना बनाने। वो किधर बना रहे? भैया नहीं है कि ये है मेरा सबसे पसंदीदा। ये हाजी साहब का फेवरेट? अरे वाह माशाल्लाह। तो हाजी साहब इसका क्या रेट लगा है? इसके 60,000। अरे ये तो महंगा होना चाहिए था यार। हाँ, आप मेरी पसंद पूछ रहे हो। हाँ, समझ रहे हो। तो मेरा घर का पला हुआ बच्चा है, ये दो बच्चे हैं मेरे घर के पले हुए। माशाल्लाह, अच्छा बकरा यार। तो जो मेरी पसंद, मेरा दिल का टुकड़ा। हाँ, ये मेरे पीछे पीछे चलने वाला बकरा है। हाँ, मैं आज दिलाऊंगा, मैं आज इसको सर पे आज चलाऊंगा, मेरे पीछे पीछे चलाऊंगा। बच्चे यार, मतलब ये पेशा भी कैसा है ना, एकदम यहाँ पे रहने वाली चीज को भी अपने को छोड़ के आना पड़ता है। पर क्या करें, इसको ज्यादा दिन रख भी नहीं सकते। सही है। कितने दांत पे ये? दांत दिखाना। छह दांत। सही है यार, माशाल्लाह। हाजी साहब आपका फार्म है या आप किसी से परचेज करके लाते हो? मतलब पोल्ट्री फार्म? हाँ, पोल्ट्री का काम है। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारा मेन काम जो है पोल्ट्री का भी है, ट्रांसपोर्ट लाइन का भी है। यहाँ मुंबई में इधर कार्टून गिरी स्टेशन के बाजू में एपीटी अग्नि टेलर ट्रांसपोर्ट करके कंपनी है, ट्रेलर की। तो हमारे पास ट्रेलर वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ की चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मेन बिजनेस जो है बिल्डिंग मटेरियल का है। अच्छा, हमारी जॉइंट फैमिली 5 भाई हैं। एक भाई ने जैसे ट्रांसपोर्ट लाइन का काम देख रखा है और एक भाई पोल्ट्री का काम देखता है। नसीराबाद में वर्कशॉप है तो एक भाई वर्कशॉप संभालता है। मेरा वहाँ गाँव के अंदर जो है बिल्डिंग मटेरियल जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह का ये काम है। जेसीबी ट्रैक्टर मतलब आप रेंट वगैरह पे देते हो? हाँ जी, नहीं जेसीबी, जैसे मेरी जेसीबी खुद की है और 4-5 ट्रैक्टर ले रखे हैं। अरे माशाल्लाह। किसी का मिट्टी वगैरह का भराव हो खेतों में, जैसे मिट्टी डालना है, किसी रोड वगैरह का काम है, खुद की जेसीबी, खुद के ही ट्रैक्टर, तो मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे ले लिया। चलो अच्छा है। तो वो मेरा मेन काम है। ये तो पोल्ट्री का जो फार्म है ना, फार्म हाउस है अपना पोल्ट्री का, वहाँ 40-50 बच्चे अपन डाल देते हैं और ये थोड़े 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 करके पल जाते हैं। पल जाते हैं, मतलब इसमें नफे वाली कुछ बात नहीं है, ये सिर्फ एक शौक है। शौक है मतलब, अगर इनका सोचे ना, पर वहाँ से खरीद के तुम आओगे ही नहीं यहाँ पे, तो इनके मतलब दाने के पानी के पैसे भी नहीं निकले। आप आओगे ही नहीं यहाँ पे? वही सोचोगे घर पे रहेंगे, यही बिक जाए तो अच्छा है। ये देवनार मंडी जो है ना, हाँ, आदमी को मुंबई खींचती है। मेला है, मेला, ये आमची मुंबई है ना। हाँ, ये आमची मुंबई आदमी को खींचती है बस। ये कि पानी की करामात है, आदमी नुकसान खा के भी फिर चलाता है, मुंबई आ जाता है। हाँ, एक चाचा है हमारे गांव के जो 2,50,000 रुपए पिछले साल नुकसान खा के गए। अरे बाप रे बाप, फिर भी आ गए, फिर भी वापस आए इस साल लेके। हर साल आते हो, हर साल घूम जाते। हाँ, और इससे पिछले वाले साल तो हमारे गांव वाले के बगल पीछे वो जे जलेबी वाला है ना, उसी लाइन में थे। हाँ, हाँ, तो कमर कमर पानी भर गया था। हाँ, मानती हूँ, दो साल पहले उसमें से हमने सबने मिलकर उनके बकरे मतलब जो है उठा उठा के पानी में, इतने इतने पानी में, और ये गलियारा जो होता है ना बीच, हाँ, उसमें धकेले, उसमें धकेले। हाँ, हाँ, अनाज वगैरह सारा खराब हो गया था। हाँ, हाँ, बहुत नुकसान उस टाइम पे। तो बकरे उस टाइम पे इतने सस्ते बकरे थे कि जिंदगी में किसी ने, जिसने कुर्बानी नहीं किया होगा ना, उसने उस टाइम कुर्बानी किया था। हाँ, बिल्कुल। अरे बहुत सस्ते बकरे थे। हाँ, क्योंकि बारिश ऐसी ऐसी हो रही थी, बकरे आदमी के कमर के ऊपर पानी जा रहा था, तो बकरे तो बेचारे खाली वो हो रहे थे। बाकी मैं तो देख लो 21 साल आया हूँ मुंबई।
21वां साल है ये माशाल्लाह। ठीक है ना, 2013 में मैं अचबे गया था, उस टाइम में नहीं आया था, मेरे चाचा का लड़का मेरे बकरे लेके आया था। हाँ। तो मेरे लगभग जो है ना सारे ग्राहक फिक्स है, कोई 20 बकरे लेके जाता है, कोई 30 बकरे लेके जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो क्या अजमेर शरीफ आते हैं दरगाह में, तो वहाँ उनका मिलना मिलाना हो जाता है। तो आपका दरगाह से कितना दूर है? वहाँ से 35 किलोमीटर। अपने अजमेर शरीफ दरगाह से 35 किलोमीटर। तो हाजी साहब अगर अपना आना हुआ तो कभी आएंगे, बिल्कुल, तो अपने को फार्म कवर करवा देना बिल्कुल, अपना बिल्कुल, और अगर ऐसा बीच में मन बने तो बुलवा भी लेना कि अपन आएंगे। वो तो आएंगे ही, लेकिन अभी कैसा टाइमिंग सेट नहीं हो पाता है। अभी तो मैं पहले जॉब करता था, 2 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा। और जॉब छोड़ के मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट किया है मैंने, चाइनीज का छोटा मोटा रेस्टोरेंट चालू किया, तो वो चक्कर में हूँ, उसमें सक्सेस हो गया तो फिर टाइम ही टाइम है। अभी नया मामला है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग से कांटेक्ट हो रहे तो बस आप ही लोग से बोल रहा हूँ कि ऐसे आगे कंटिन्यू करने के लिए आप ही लोग याद करो, तो फिर मैं आऊँगा। तो उसी बहाने से मतलब गरीब नवाज सरकार पे भी ज़्यारत हो जाएगी और आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। लुकमान भाई से भी बोला, आपसे भी बोला, और आपसे जितने भी दोस्त यार है आपके उनसे आप बोलना, तो फिर आएंगे हम लोग आके कवर करेंगे इंशाल्लाह। कभी आप याद करो इंशाल्लाह गरीब को। और अभी सब बकरे बैठ गए ना आपके, ये आजी साहब के सारे बकरे हैं। कितने बकरे हैं टोटल? 105 आपके, लुकमान भाई के 106, उनके भी 105 बचे, एक बिक गया। आजी साहब आपका कार्ड होगा ना, उस पर आपका नंबर होगा, आईडी कार्ड दिया होगा ना, वो मैं डालता हूँ ना, आईडी कार्ड होगा ना उस पर नंबर रहता है ना, नहीं वो टोकन गले में जो आईडी कार्ड होता है ना, ये आपका ही नंबर है ना, चालू रहेगा नंबर के? अभी चार्जिंग वार्जिंग का कुछ इशू है, चालू, एक नंबर और है इसमें, एयरटेल का है, जियो का नंबर और है। जो जियो का नंबर है वो बोल दीजिए मुँह से, जोर से बोलना पड़ेगा लेकिन आपको नंबर 95 11 55, 95 मतलब 95 11, 95 11 मतलब 95 11, 95 11 55 55, और 4 3 4 4 3 4 4, 95 11 55 43 44 43 44, ठीक है, चलो इंशाल्लाह। आप बुलवाओ, खाजा साहब बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, आप लोग भी बुलाओ तो हम तो कल जब बोलो तब आ जाएंगे। बस ये है कि वो तो बेशक यार, तो कहाँ वो, मैं भी चार बार जा चुका हूँ, अभी 1.5 साल 2 साल पहले ही गया था, आज बारिश नहीं। अभी ये है कि जाएंगे इंशाल्लाह, जब बुलावा आएगा तो आ जाएंगे, लेकिन तुम लोग भी याद करो अपनी तरफ से। तो हाँ बस यही है, तैयार रहेंगे, अपने पास बकरे कवर करने को मिल जाएंगे ना वहाँ पे, हाँ तुम्हारे अलावा और भी 2 4 8 10 जो भी होंगे सबको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, राम सर से अपने कम से, ये मेरा भतीजा है, 15-20 गाड़ियाँ थी राम सर से, ये इनके आजी साहब के भतीजे हैं, नफीस खान नाम है इनका। इसके पैर क्यों बांधे आजी साहब? ये अंडू है ना, बहुत है, सारे बकरे कस्सी है, ये अंडू है, तो सबको बता रहा हूँ, बैठने नहीं देता, अभी परेशान करता है। अच्छा, तो एक ही अंडू है अपने पास? हाँ दो है, एक थोड़ा शांत है। अच्छा, तो उसके बांधने की जरूरत नहीं। ये कितने का ये? 22,000 का। 22? अच्छा है, ये बहुत गर्म है। अपने कुछ बकरे सेल आउट हुए कि नहीं? हाँ, एक बकरा बेचा, बोनी करी है। बोनी हो गई आपकी भी और इनकी भी बोनी हो गई? बोनी करी है। लेकिन हर साल आपका कैसा रहता है, मतलब देवनार आप आते हो 21 साल से आज तक अल्लाह के क्रम से कभी मैंने मुंबई मंडी में घाटा नहीं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और अभी भी मैं 4 बकरे कुर्बानी के घर पे छोड़ के आया हूँ, और इंशाल्लाह घर पे ही जाके कुर्बानी करूंगा। आज मैंने घर पे ही करी है कुर्बानी, आज तक मुंबई मंडी में कुर्बानी दिन नहीं कटा, मतलब आपका मुंबई में आप रहे नहीं ईद वाले दिन। 7 तारीख को मैं बकरे बेच के यहाँ से रवाना हो जाते बांद्रा टर्मिनल, 8 तारीख या 9 तारीख को घर पे अजमेर से, बस आज तक का रिकॉर्ड है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है ख्वाजा गरीब नवाज के, मेहरबानी है, बाबा फखर का हाथ है, तो बस
जैसा है सबका वो मामला सही हो जाए। तुम्हारा करम ख्वाजा हाँ। की बात अब तक बनी हुई है माशाल्लाह। बस ये तो ख्वाजा का करम है। और ये जो बकरे हैं ये ख्वाजा की सरजमी के दरख्तों के पत्ते खाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रे क्या बात है। और वहाँ की सरजमी के बकरे आदमी जिसके नसीब में जा रहा है ये समझ लो कि ख्वाजा की जो सरजमी है अजमेर जिला तो वहाँ की सरजमी के दरख्तों के पत्ते खाए इन बकरों ने। और जिस जिस घर में जाके कुर्बान होगी तो फिर इनके तो बसली ही है बेड़ा पार है। एक नंबर बहुत बड़ी बात बोले इन्होंने। हाँ कम बात थोड़ी है भाईजान। बहुत अच्छी बात बोली आपने। दूसरी चीज हम चीटिंग नहीं करते इसमें। हाँ। अगर किसी हमारे बकरे में कोई नुक्स हो जाता है किसी का जैसे कान कट गया सील टूट गया वो बकरा हम यहाँ लेके नहीं आते। अच्छा वहीं छोड़ के आते हैं उसको घर के किसी भी काम में ले लेते हैं उसको सेल आउट कर देते हैं। बाकी कुर्बानी में हम वो बकरा सेल नहीं करते। अच्छा जब अपने घर पे अपन नहीं करेंगे तो दूसरों अगर कान कटे या सीन टूटे की कुर्बानी नहीं कर सकते तो दूसरों को क्यों देंगे? तो फिर दूसरों को कैसे दें? उसका सारा गुना अपने सर पे आता है। सही है सही है सही है। मेरा भी वही है। बस अपना भी वैसे ही है कि जो चीज अपन नहीं पहनेंगे जो अपन नहीं खाएंगे वो हम दूसरों को क्यों दें? जैसे अभी मेरा रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में तो सभी चीजें चल रही है बिल्कुल तला। लेकिन अपन ये सोचते हैं कि ये चीज मैं खाऊंगा क्या? मैं नहीं खाऊंगा तो मैं दूसरे को कैसे खिलाऊं? अपनी भी थिंकिंग ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा आपसे बात करके हाजी साहब। जाना तो याद करना मैं तो रोज आऊंगा और इंशाल्लाह मिलके भी जाऊंगा तुम लोग से। बताना आप लोग के बकरे बिके नहीं बिके कैसे हालात है जो है सब कवर करेंगे। और इंशाल्लाह जब वहाँ पहुँचना तो मुझे याद करना इंशाल्लाह तुम्हारे बकरे कवर करने आऊंगा और गरीब नवाज की ज्यारत भी करेंगे। नंबर आपके तो आएगा ना? ठीक है ठीक है। देवनार से पहले भी कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह आने के बाद यहाँ पे भी कवर करेंगे। ठीक है कामयाब करें। बस दुआ करो यूट्यूब चैनल को दुआ करो दुआ डाल रहे हो हाँ इसको बहुत आगे बढ़ाए। दुआ करो बस समझ लो कि ख्वाजा के रहमो करम से उनके फजल करम से आप बहुत कामयाबी की मंजिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बिजनेस के लिए भी दुआ करो हाजी साहब इंशाल्लाह तो मेरा काम धंधा भी आगे बढ़े। क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ा हूँ 10-12 साल नौकरी करके कम से कम अच्छी खासी पगार वाली मैंने नौकरी छोड़ के ये रिक्स लिया हूँ। क्योंकि वो अगर मैं छोड़ता नहीं तो मैं नौकरी बन के रह जाता नहीं करना है इसलिए इधर आया हूँ। तो ये चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ से कुछ हो जाएगा और बाद में तो काम है अगर सेट हो गया तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करो आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है और जब जाना तो ज़रूर याद करना एक बार। ठीक है चलो रखता हूँ मैं भी बाद में फिर मुलाकात होगी आपसे कलवल में। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।